अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि बापा जान, बाज लोग उनको अल्लाह ताला शरफ हासिल देता है हज का या उमरे का, उससे वापस आकर मतलब है कि वो किसी की गीबत करें, तो लोग कहते हैं ये तो मदीने से होके आया, फिर मतलब है कि ये ज्यादा गीबत कर रहा है। तो मदीने का या हज का नाम लेके ऐसा जो उसका तो उस तरफ गुनाह का मनसूख करना कि उधर से होके आया तो ज्यादा गीबतें कर रहा है, इसके बारे में क्या हुक्म आया? वो शख्स जो मदीने का या मक्के का या हज का नाम ले रहा है वो गुनाहगार होगा या नहीं? ये मदीने से आया होकर तो अब ज्यादा गीबतें करने लगा है। अव्वल तो ये पैमाना कहाँ से लाएगा बोलने वाला कि पहले कम करता था और अब ज्यादा करने लगा, ये तय करना एक तो दुश्वार। फिर इस तरह कहकर अगर इसने पीछे जैसी बातें की तो ये भी गीबत में मुबतला हुआ, सामने से बातें की ऐसी दिल आजारी में मुबतला हुआ। ये जो इस तरह कह रहा है, ये कहने की इसकी नियत क्या है? अब ये कि इसमें हज और मदीने शरीफ से आया है, ये अगर इबरत के लिए बोलता है कि यार अब तो बस करो, आप तो माशाल्लाह हज करके आए, आप तो मदीना चूम कर आ गए, यार आप तो ऐसी बात नहीं करो, ये कहना तो अच्छा है कि ये एक अमर बिल मारूफ का अंदाज है नेकी की दावत का। और इस तरह कहना कि ये हज कराया जब से ज्यादा बिगड़ गया, नऊज़ु बिल्ला, ये जुमला अच्छा नहीं है। यहाँ मुराद हज की तोहीन नहीं लेंगे इस जुमले से कि ये मदीने शरीफ की तोहीन कर रहा है या हज की माज अल्लाह तोहीन कर रहा है, क्योंकि ये तनकीद हज और मदीने पर नहीं कर रहा, ये तनकीद इस बंदे पर कर रहा है कि जब ये हज करके आया तो इसको तो सुधर जाना चाहिए। इन मानो कर ये बात है भी सही, लेकिन एक हज और मदीने शरीफ की हाजिरी का इसमें ताना दिया ना जाए ताने के तौर पर कि ये दिल आजार है, और ये मतलब अच्छी बात नहीं है इस तरह करनी। जैसे कि वो फुला बोलता है मैं सैयद हूँ और ऐसा करता है, या फुला सैयद ऐसा करता है, तो ये भी पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने अपने पर कयास किया कि अगर कोई बोले कि इलियास का बेटा ऐसा करता है तो इलियास को अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर इलियास के आका की तरह मंसूब करे, सैयद तो आका ज्यादा होता है कि वो सैयद होकर ऐसा करता है, तो ये आका को इससे रंज पहुंचता हो तो क्या ताज्जुब। और अगर कोई उनको ये समझाए कि भाई माशाअल्लाह आप तो सैयद ज्यादा है, आपको ये जेब नहीं देता, कोई अगर इस तरह बड़ा आदमी नसीहत करने के लिए समझाए तो ये अच्छी बात है, नेकी की दावत है ये, कि इसको गैरत दिला रहा है सियादत पर कि आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अंदाजे गुफ्तगू होता ही है, तो इसमें हर्ज नहीं है, ताना ना दिया जाए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।